नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो हमारी आंखों का पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहते हैं, उसकी सूजन आ जाती है और डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से जो पेशेंट है उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, यानी कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो सकता है। और लगभग 60% ऑफ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपनी लाइफ टाइम में डायबिटिक रेटिनोपैथी से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपके लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अब हम जानते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप कैसे होती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के डेवलप होने के दो कारण होते हैं। पहले कारण के अंदर जो हमारी आंखों के पर्दे की खून की नलियाँ होती है, जिसे ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है और इनके ब्लॉक होने की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रेटिना के अंदर यानी कि आंखों के पर्दे में आना कम हो जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है और वो एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसे वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, वेजेफ कहते हैं। और इस केमिकल की वजह से जो हमारी आंखों का पर्दा है उसमें नई ब्लड वेसल्स डेवलप होने लग जाती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये नई ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत कमज़ोर होती है, बहुत पतली होती है, फ्राइबल होती है और इनके जो फटने के चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ में इनमें से कई बार ब्लड भी लीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो आंखों की रोशनी है वो कम हो जाती है और आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरे तरीके में जो ये ब्लड वेसल्स है आंखों के पर्दे की, वो लीक होने लग जाती है और लीक होने की वजह से भी आंखों में बहुत नुकसान पहुंचता है। और स्पेशली अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ जो रेटिना है, जिसे कि मैक्यूला कहते हैं, अगर वहाँ से अगर लीकेज चालू हो जाती है तो पेशेंट की जो आंखों की रोशनी है वो कम्प्लीटली भी जा सकती है या इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और कई सिचुएशंस में ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिकुड़ने लग जाती है और इनके सिकुड़ने की वजह से जो हमारी रेटिना होती है वो पीछे से डिटैच हो सकती है, जिसे कि रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है और एक इमरजेंसी है, इसमें पेशेंट को जल्दी ही किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपनी नज़रों की रोशनी बचाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रिवेंशन के बारे में और साथ में कब पेशेंट्स को आंखों के डॉक्टर यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके चेक कराना चाहिए। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि पेशेंट को अपनी ब्लड शुगर लेवल्स नियर नॉर्मल रेंज रखने चाहिए और जो टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो फास्टिंग ब्लड शुगर जो होती है वो पेशेंट की लेस देन 130 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल्स वो लेस देन 180 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए। और डॉक्टर को दिखाने की अगर हम बात करें तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो सिम्टम आते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, कई बार बहुत लेट आते हैं और जब तक पेशेंट को पता चलता है कि उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो जब भी पेशेंट में डायबिटीज़ जिस टाइम भी डायग्नोज हो तो उसे उसी टाइम किसी अच्छे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके यानी कि आँखों के डॉक्टर को जाके एक बार अपना पूरा आई चेकअप कराना चाहिए। और जब आप किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपकी आंखों में एक दवाई डालेगा जिससे कि आंखों की जो पुतली है वो डायलेट हो जाती है, जिससे कि एग्जामिनेशन अच्छे से होता है। उसके बाद जो डॉक्टर है वो ऑफ्थेल्मोस्कोप या फिर स्लिट लैम्प नाम के इंस्ट्रूमेंट से आपकी आंखों की अच्छे से जांच करेंगे और इन दो इंस्ट्रूमेंट से अगर डॉक्टर को कोई परेशानी नज़र आती है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है तो डॉक्टर फिर आपको एडवांस टेस्ट एडवाइस करेंगे और जिसमें आते हैं फर्स्ट OCT। OCT में जो रेटिना होती है, आंखों का पर्दा होता है, उसकी सभी लेयर्स की इमेज ली जाती है और फिर उन्हें स्टडी करा जाता है, जिससे कि अगर कोई माइनर इंजरी है आंखों में, आंखों के पर्दे में, या फिर कोई माइनर डिफेक्ट आया है तो वो भी जल्दी पकड़ लिया जाता है और पेशेंट का फिर सही से इलाज हो जाता है। दूसरा टेस्ट होता है फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी शरीर की खून की नलियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें एक डाई डाली जाती है। इस डाई को डालने के बाद जो आंखों का पर्दा है इसकी भी इमेज ली जाती है और इससे जो लीकी ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो डैमेज ब्लड वेसल्स हैं उनका पता चल जाता है और जिससे कि पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें कैटरेक्ट का यानी कि मोतियाबिंद और ग्लोकोमा यानी कि काले पानी, इसका भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी
जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनको अपना चेकअप टाइम टू टाइम करा लेना चाहिए और साल में कम से कम एक से दो बार तो अपना आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ब्लड शुगर लेवल्स का कंट्रोल, और इसके लिए जो भी आपको एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस डॉक्टर ने एडवाइस करी है उन्हें आपको टाइम टू टाइम लेना है। सेकेंड, आपको जो भी लाइफस्टाइल मेजर्स या फिर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एडवाइस करे हैं उन्हें भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शंस के बारे में। तो आँखों में जब भी डॉक्टर आपके इंजेक्शंस लगाएगा उनको लगाने से पहले आपकी आँखों में एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि आँखों को सुन करा जाता है जिससे कि पेशेंट को दर्द महसूस नहीं हो इन इंजेक्शंस का। और इंजेक्शंस में जो फर्स्ट आते हैं वो हैं एंटी वेजफ इंजेक्शंस, और एंटी वेजफ इंजेक्शंस के एग्जांपल है बेवासिजुमाब, रानीबीजुमाब। और एंटी वेजफ इंजेक्शन से जो आँखों की पर्दे की सूजन है वो कम हो जाती है, साथ में जो भी नई ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट है वो भी ये कम कर देते हैं। सेकेंड आते हैं स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन। स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी जो आँखों के पर्दे की जो सूजन है उनको कम करने का काम करते हैं। और जो ट्रीटमेंट सेशंस है या फिर नंबर ऑफ इंजेक्शंस आपके लगेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी है वो कितनी सीवियर है या कितनी आगे बढ़ चुकी है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है लेज़र फोटोकॉगुलेशन। लेज़र फोटोकॉगुलेशन से जो भी नई ब्लड वेसल्स डेवलप हो रही है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और साथ में जितनी भी लीकिंग ब्लड वेसल्स है उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो लेज़र दो टाइप से दी जाती है। पहले में लेज़र फोटोकॉगुलेशन जो आँखों का पर्दे का सेंटर है जिसे मैक्यूला कहते हैं उसमें लेज़र फोटोकॉगुलेशन करा जाता है और जितने भी लीकिंग ब्लड वेसल्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। और दूसरे तरीके में जो रेटिना है उसकी जो पेरिफेरी है उसके अंदर मल्टीपल स्पॉट्स में लेज़र फोटोकॉगुलेशन करा जाता है जिससे कि जो भी नई ब्लड वेसल्स डेवलप हो रही है पेरिफेरी में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पर कई बार जो ये नई ब्लड वेसल्स है ये फट जाती है जिससे कि जो आँखों के पर्दे के आगे की जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे विट्रस यूमर कहा जाता है उसमें ब्लड आ जाता है। तो उस केस में डॉक्टर कई बार तो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो भी ब्लड है विट्रस यूमर में वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाए। पर अगर ये ब्लड अपने आप रिजॉल्व नहीं होता या फिर ब्लीडिंग बार बार हो रही है विट्रस यूमर में और या फिर पेशेंट का जो विजन है वो अफेक्ट हो गया है, तो इन तीन केसेस के अंदर डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ती है जिसे विट्रेक्टोमी कहा जाता है। और अगर पेशेंट का जो पर्दा है उखड़ गया है जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं उस केस में भी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेके, और जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे होती है और कब डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है ये आपको पता चला होगा। तो बस ये सब कुछ था आज के वीडियो में। बाकी अपना ध्यान रखें और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।